हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में WCS में हमने समझा था कि टाइम एंड वर्क और एवरेज क्या होता है, हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिंपल फ्रैक्शन चेंज इंटू परसेंटेज, कि हम एक साधारण भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चेंज सिंपल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, तो देखते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न क्या होती है जानेंगे सबसे पहले। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट रिड्यूस्ड एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलीकृत भिन्न वे भिन्न होते हैं जो अपने निम्नतम, लघु और सरलतम रूप में होते हैं। द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर रिड्यूस टू द एक्सटेंट डेट द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज वन। भिन्न के अंश और हर को इस हद तक कम कर दिया जाता है कि उनके बीच एकमात्र सामान्य गुणनखंड एक हो। फॉर एग्जाम्पल, 2/3 इज द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन फॉर 4/6, 8/12, 16/24 एंड सो ऑन। उदाहरण के लिए 2/3, 4/6, 8/12, 16/24 इत्यादि के लिए सरलीकृत भिन्न है। मतलब 2/3 की अगर हम गुणा कराएंगे, किससे, 2 से कराएंगे, तो क्या आ जाएगा अंश और हर में, तो 4/6 आ जाएगा। 4/6 की 2 से कराएंगे तो 8/12, 12, और फिर उन दोनों की 2 से कराएंगे तो 16/24 आएगा। तो 2/3 जो है वो क्या है, एक सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब इससे कम इसको नहीं किया जा सकता। और इसके अंश और हर के बीच अगर हम अंतर लेंगे तो एक आना चाहिए, मतलब अंश जो है वो हर से छोटा होगा, हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, और उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो एक होगा। हाउ टू चेंज सिंपल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, डिवाइडेड इन न्यूमिनेटर नंबर ऑन द टॉप बाय द डिनोमिनेटर नंबर ऑन द बॉटम। जो नंबर ऊपर दिया गया है उसको हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर से विभाजित करना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, और विभाजित करने के बाद, डिवाइड करने के बाद उसका 100 से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दिस विल गिव यू द फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, यह आपके नंबर को क्या कर देगा, परसेंटेज में चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल, फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें 3/10, आगे दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म। 10 से हमने क्या किया, 3 को डिवाइड किया तो 0.3 आ गया, और 0.3 का हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, 30% आ गया। जैसे ही हम इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30% आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेसिमल में चेंज करना सिखाया गया फ्रैक्शन से, और उसके बाद फिर परसेंटेज में चेंज करना सिखाया गया। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंट, एक्सप्रेस 3/4 एज अ परसेंटेज। सॉल्यूशन, 3/4 इंटू 100, 3 इंटू 100/4 हो जाएगा, 4 को 100 से डिवाइड कर देंगे या 3 की मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, बात वही है 75% ही आएगा। अगर 4 से मैं 100 को डिवाइड करता 25 आता, और 25 3 जा 75 आ जाता, बट यहाँ पे क्या किया हमने, 3 की 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 300 हो गया, 300 बाय 4, और डिवाइड कर दिया 4/4 से। इसको 4/4 से क्यों करा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 1 ही आएगा, बात वही है, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया, डिवाइड दी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय 4 इज इक्वल टू 75। तो ये जो हुआ हमारा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, परसेंटेज में। ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन था, उसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। आशा करता हूं मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।